फर्स्ट डे में आया था सर, तुम एक टांग पे आया था वॉकर से एक टांग पे आया था मैं। अच्छा। आपने मुझे पहले दिन ही बोल दिया था कि आप 10 दिन में आप काम करने लग जाओगे। सही बोला था बिल्कुल सही बोला था सर बिना गोली बिना दवाई बिना इंजेक्शन के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा आगे पीछे हो जाता तो बहुत समस्या बढ़ जाती। ज्ञान का भंडार हो सर, आप इसमें कोई संदेह नहीं। सही कह रहा हूँ सर मैं, आपको कभी जीवन उम्र ता उम्र नहीं घूरूंगा सर। अरे सर, नेपाल से, इराक से, ईरान से, साउथ अफ्रीका से और इंडिया से। कोई महेश्वरी आंटी जी आए तो बोले मैं तो दुबई जा रही हूँ 13 तारीख को। बोला तीन दूर दूर से लोग आते हैं। काफी दुआएं मिलेगी सर आपको, मिल ही रही और मिलेगी। इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, पैसे के लिए नहीं काम कर रहे हैं, हम दुआओं के लिए काम कर रहे हैं। कैसे स्थिति है सर अब आपकी, क्या समस्या लेके आप यहाँ आए थे और क्या क्या? सर फर्स्ट डे आया था 24 तारीख को है ना, आज मुझे 11वां दिन है। जब फर्स्ट डे में आया था सर, तुम एक टांग पे आया था वॉकर से एक टांग पे आए एक थे। टांग पे आया था मैं। अच्छा। तो मुझे भी ऐसा लग नहीं रहा था, जब इस चेंबर में मैंने एंटर किया था इसके पहले मेरा कॉन्फिडेंस भी यही था कि मुझे कम से कम 2 महीने लगेंगे चलने में। अच्छा। हाँ, तो मुझे खुद अंदर से आत्मविश्वास नहीं आ पा रहा था, पर जैसे इस चेंबर में एंटर किया मैंने, आपसे मिला मुझे, तो मुझे ACL MCL दोनों Grade 2 का टीयर था सर है ना। जैसे आपसे मिला, आपने मुझे घुटना फोल्ड करने के लिए कहा, जो मुझे बहुत पेन हो रहा था, मैं कर नहीं पा रहा था, हाँ। लेकिन आपने किया उसको ताकत से, आपने किया, मुझे काफी पेन हुआ पर आपने किया। उसके बाद मैं 11 दिन का ट्रीटमेंट लिया यहाँ पे और आज मैं अच्छे से चल पा रहा हूँ। मैं खुद आया हूँ गाड़ी से, गाड़ी भी चला पा रहा हूँ, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। आपने मुझे पहले दिन ही बोल दिया था कि आप 10 दिन में आप काम करने लग जाओगे। सही बोला था बिल्कुल सही बोला था सर आपका ACL MCL दोनों का टीयर है जी सर और साथ में हो फास्ट पेट पेड इन्फ्लेमेशन है, एडिमा है, बेकर सिस्ट है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन योर नी, जी जी मतलब सर घुटने के अंदर अपना बहुत सारी चीजें गड़बड़ थी, तो उसके वजह से ही समस्या इतनी आ रही थी। और आप पूरा लॉन्ग नी ब्रेस लगा के एक वॉकर पर चढ़ के बिल्कुल हाँ। ऐसा आप पहले दिन अब आ देखना पाए तो थे। बिल्कुल भी सर स्वेलिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं, और बिल्कुल मतलब दो ही घुटनों में कोई बता घुटना नहीं सकता अंतर, बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। कोई स्वेलिंग नहीं है, जब मैं कुछ पहले नहीं दिन है। आया था स्वेलिंग भी थी काफी और ऐसी हालत थी सर, मतलब वो हाथ लगा रहा था तो मुझे डर लग रहा था कि मेरा टच मत करो मेरे नी को। अच्छा, अब घुटना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सर, वेरी कोई नाइस। स्वेलिंग नहीं, कुछ नहीं सर। आपने जो एक्सरसाइज बताई थी वो भी करी घर पे मैंने प्रॉपर, आपके जो भी प्रिकॉशन बताए थे वो रखा मैंने, तो वेरी काफी नाइस, इम्प्रूवमेंट है सर। बिना गोली बिना दवाई बढ़िया बिना बढ़िया, इंजेक्शन के। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सही कह रहा हूँ सर मैं, थोड़ा आगे पीछे हो जाता तो बहुत समस्या बढ़ जाती। सही जगह आ गया मैं तो सही काम हो गया सही मेरा। टाइम पे सही जगह। हाँ आप कैसे इंजरी हुई थी आपके पैर में? सर, मैं बाइक से स्लिप हो गया था, मैं बाइक से स्लिप हो गया था, तो बाइक से मेरा पाँव कुछ उल्टा सीधा मुड़ गया तो उसमें फिर प्रॉब्लम आगे हुई क्या थी। क्या हुआ? उसके बाद सर मैंने डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने मुझे रेस्ट लिखा था, नी ब्रेस बांध रखा था मैंने क्या, और फोल्ड भी नहीं हुआ था। फिर कितने दिन तक आपने रेस्ट किया? मैंने सर 21 डेज, 21 दिन रेस्ट किया हाँ ब्रेस हाँ बांध के, हाँ फिर आप मेरे पास यहाँ फिर आपके आए। पास आए सर। ओके, तो उसके बाद भी आपको ये लग रहा था कि अब 1-2 महीने तो अरे मुझे सर घर लग पे ही रहा था वो चलेंगे। तो ही, मतलब घुटना फोल्ड नहीं हो रहा था, पेन तो उस समय भी हो रहा था, मतलब पाँव जमीन पे टिकी नहीं था ना सर, जैसे ही टिका रहा था वैसे पेन होता था मुझे, मतलब जो फीलिंग ही नहीं आ पा रही थी, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। तो लगता ना बॉडी में कॉन्फिडेंस आता कि हाँ चल पाएंगे, नहीं लग रहा था। पर जैसे ही पहले दिन आपसे मिला, मैंने कहा ना जैसे चेंबर में एंटर किया मैंने और आपने जब घुटना फोल्ड किया, आपने कुछ एक्सरसाइज बताई, आपने फिजियोथेरेपी करवाई, उसी दिन घर गया तो मेरी मम्मी ने बुला के आ रहा, मुझे लगा उसी दिन से कॉन्फिडेंस आ गया था 10 दिन में ठीक हो जाऊंगा मैं। आप शुरू के 2-3 दिन आपके ब्रदर के साथ आए, हाँ फिर हाँ आप गाड़ी खुद ही चला के खुद आने ही लगे। चला मतलब गया, पहले दिन आप लॉन्ग ब्रेस पहन के वॉकर के वॉकर सहारे के साथ आए, आया था, अगले दिन आप छड़ी के सहारे छड़ी आए, के साथ। फिर ब्रेस हट गया, पहले दिन ब्रेस हट गया, हाँ उसके बाद फिर आप खुद चल के आए, 3 दिन बाद आपने छड़ी भी हटवा दी थी, छड़ी भी आपने हटा बोला ये भी रखो इसकी जरूरत नहीं, इसको घर का किसी कोने में रख दो आप। और अब बिल्कुल बढ़िया अरे हो, बिल्कुल अब बढ़िया वॉक सर, करके बताओ आप। अब मैं बिल्कुल जब चल पा रहा हूँ सर, कोई समस्या नहीं वेरी नाइस, नो लिम्पिंग, नो पेन, कुछ नहीं। कुछ नहीं सर। अब आप वहां बैठ के भी बताइए एक बार। हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, इसी में अभी बैठ अभी अभी जो है बस इतना ध्यान रखना है कि अभी नीचे नहीं बैठना, एटलीस्ट 1.5-2 महीने जी सर। नीचे नहीं बैठना, आलती पालती नहीं मारना, इंडियन टॉयलेट में नहीं जाना, ठीक है ना? क्योंकि जो लिगामेंट है उसको थोड़ा रिलेटिव रेस्ट चाहिए। हम अगर पूरा ही नहीं मोड़ देंगे और पूरा नीचे बैठ जाएंगे तो उस पर एक्सेसिव लोड आएगा, अच्छा, तो वो अपने को अभी नहीं देना है जब तक अच्छे से हीलिंग नहीं हो जाती है। आप चाहें तो इसको 3 महीने 6 महीने थोड़ा प्रिकॉशन रखिए, तो आपका लिगामेंट प्रॉब्लम देगा ही नहीं, ठीक है ना? डरना नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशन अपने को रखना जी है, जी सर। ठीक है ना? आपने क्या सोचा था कि जो आप करते क्या है वैसे?
सर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ, तो मतलब आपका सब दूर दिन भर घूमने का सर मैं पता करा कि सबसे बेस्ट कौन है फिजियोथेरेपी उज्जैन में, जिसके पास सारे संसाधन है, तो मालूम पड़ जाता इसी फील्ड में, चूंकि 15 साल से इसी फील्ड में हूँ मुझे मालूम पड़ा डॉक्टर साहब का, और मुझे पहले से जनरल कभी से काम पड़ा नहीं सर, पहली बार काम पड़ा था, मतलब सबसे बेस्ट होगा वही जाऊंगा मैं, तो मैंने पता करा, फिर आपके वीडियो भी देखे थे मैंने क्या अच्छा है, और आपसे मिलके लगा कि मेरे को मैं बिल्कुल सही जगह आया हूँ क्या नहीं ठीक है, देखिए इस पर अवर नॉलेज, इस पर अवर स्किल्स हम काम कर रहे हैं, जितना लोगों का हम भला कर सकते हैं। लोगों को पहले फिजियोथेरेपी में लगता था कि यार महीने दो महीने चार महीने तो जाने ही पड़ेगा, कहां दस दस दिन में ऐसा रिजल्ट आता है। अरे नहीं सर आपने भी नहीं सोचा, नहीं सोचा, मैं खुद सर मतलब डेढ़ दो महीने मान के चल रहा था समय लग जाएगा, डेढ़ दो महीने, उसके बाद भी ना जाने क्या है, प्रकोशन जॉब कैसे करेंगे, जॉब कैसे करेंगे जी सर, दिक्कत रहती है ना सर। अब यहाँ चौथे दिन से खुद गाड़ी चलाने लगे, बताइए। खुद आ रहा हूँ गाड़ी से, कोई समस्या नहीं सर, क्या कल से ज्वाइन भी कर लूंगा कंपनी। क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा सर आपके यहाँ जो मशीन भी काफी अच्छी, स्टाफ काफी अच्छा है, और मैं ज्ञान का भंडार हूँ सर, आप इसमें कोई संदेह नहीं, सही कह रहा हूँ सर मैं। नहीं हम सर इतने डॉक्टर से मिलते हैं, इतने सबसे मिलते हैं, काफी नॉलेज काफी अच्छा है सर, अपडेट रहते हो। अच्छा है, हम कोशिश करते हैं क्या हम बेस्ट कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए। इसलिए देखिए अपडेट रहना, समय के साथ चलना, तो आज की डिमांड ये समय डिमांड है कि हमारे फील्ड में कंटिन्यूस आपको अपडेट रहना ही पड़ेगा। अमेरिका में क्या चल रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है, आपको पता होना चाहिए, है ना, कैसा रिहैबिलिटेशन चल रहा है, फिजियोथेरेपी में क्या चल रहा है, तो कायरोप्रैक्टिक में क्या चल रहा है, तो क्या मॉडलिटीज सब यूज कर रहे हैं, आज लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, कैसे हम पेशेंट को और बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, फास्टेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। जी जी सर, कितना फास्ट हम व्यक्ति का रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो काम छह छह महीने में होता था या दस दस दिन में होता था, दस दिन में कर दिया सर, और ये फैक्ट है, मतलब कोई लोगों को यकीन नहीं होता है कैसे सही कर दिया दस दिन में, कैसे एक दिन में कैसे सही हो गया, दस दिन में कैसे सही हो गया। नहीं तो वो मेरी सिस्टर आई थी थोड़े दिन पहले, जब मेरे को नी ब्रेस बंधा हुआ था, वो कल आई शाम को, तो मैं उस नी ब्रेस मेरा कुछ नहीं था, तो मतलब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बताते, अरे बोले इतनी जल्दी कैसे, मोहल्ले वाले देखने लगे, बोले यार गाड़ी से, क्योंकि पहले सर पहले दिन ई रिक्शा से आया था मैं, दो तीन जने संभाल रहे थे मेरे को, तो चेहरे के एक्सप्रेशन बताते हो बहुत जल्दी, ये कहां जा रहे भाई, जड़ी बूटी खा रहे हो, ऐसा क्या हो गया, मतलब एक्सप्रेशन से पता चल गया। अच्छा है नहीं सर, बहुत फास्ट रिकवरी है, दिस इज द फास्टेस्ट रिहैबिलिटेशन, मतलब आपको कभी जीवन उम्र ता उम्र नहीं भरूंगा सर। अरे सर अरे नहीं सर, बहुत दर्द दर्द में था सर, काफी दर्द, सही कहता हूं, हम इस स्माइल के लिए ही काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये चेहरे पे जो खुशी है ना, इसके लिए काम कर रहे हैं, दुआओं के लिए काम कर रहे हैं। एक पेशेंट अभी आए, बोले सर पांच टाइम नमाज पढ़ता हूं और पांचों टाइम आपको दुआ देता हूं। बोले मैं तो ऑपरेशन मतलब कराने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था, मेरे तो पैर ही काम नहीं कर रहे थे। अच्छा। अब मेरे पैर काम कर रहे हैं, बोले 20 दिन का ट्रीटमेंट था उनका। हाँ। बोले सर 21 दिन में मेरे पंजे काम कर रहे हैं, मेरा दर्द खत्म हो गया, मेरा सारी चीजें नॉर्मल हो गई है। हाँ। ये तो मेरे को सब जहां गया वहां बोला कि साहब ऑपरेशन करा लो, और उसके बाद भी आपको 3 महीने बेड रेस्ट करना पड़ेगा, ये स्थिति थी सर। मैं तो सोचा, वो दुबई में जॉब करते थे, बोले सर मैं तो सोचा था जॉब भी गई, पर यहाँ आने के बाद में तो दुनिया ही बदल गई। मिरेकल है सर, मैं भी मैं अपने आप को सही कह रहा हूँ, बाकी में मिरेकल है, मैं सोचता हूँ चलिए अच्छा है, महाकाल ने हमें आशीर्वाद दिया, महाकाल की कृपा है सर, सब बनी रहे सर, आप ईश्वर की ऐसा आशीर्वाद है कि ठीक है लोग अच्छे से होके जा रहे हैं, सही होके जा रहे हैं, खुश होके जा रहे हैं, स्वस्थ होके जा रहे हैं, और बड़ी सी स्माइल के साथ रोज दुआएं देते हैं, बिल्कुल बस इन्हीं दुआओं के लिए, इसी स्माइल के लिए काम कर रहे हैं। आपकी मेहनत है सर, थैंक यू, आपकी मेहनत है सर, सो मच, तो अपडेट है सर, आपका सेंटर पूरा सब नई नई मशीनें कहीं नहीं होगी उज्जैन में सर, क्या नहीं है सर, में भी नहीं लोगों के पास, नहीं होगी चलो, काफी महंगी महंगी है सर। अब चूंकि मैं तो बहुत क्यूरियोसिटी हूं, तो मैं तो प्राइस वाइज भी पूछ लेता हूं, तो मैंने ऐसे ही पूछ ली, 25-25 लाख रुपए की मशीन है सर क्या, ठीक है देखिए जो पेशेंट के लिए बेस्ट हो सकता है वो हमें करना है, कुछ भी करके करना है, कुछ भी करके करना, सही बात, जो पेशेंट के लिए बेस्ट हो हमें तो वही करना है, पेशेंट यहाँ से अच्छा होके जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट, मतलब कुछ भी हमें करना पड़े व्यक्ति यहाँ से अच्छा होके जाए। और देखिए इधर जैसे मान लीजिए कि 100 में से 98 का हमारा एक्यूरेसी रेट है, नहीं नहीं है सर, 100 में से 98 ठीक होके ही जाते हैं, हमें 2 को ही सर्जरी के लिए भेजना पड़ता है, तो हम ये चाहते हैं कि वो 2 को भी सर्जरी के लिए नहीं भेजना पड़े, वो भी यहाँ से अच्छे होके जाए। उनमें काफी पेशेंट से बात तो होती है सर, बात होती है, सबको इम्प्रूवमेंट है, सब सेटिस्फाई है क्या सर, आपको हर व्यक्ति ये बोलता हुआ दिखेगा कि सर सबसे बात हुई, मेरा सब बढ़िया हो गया, बोले बहुत आराम, और हमारा एम ये रहता है कि आदमी 10 दिन में ही सही होके जाना चाहिए, हाँ सही, सही कुछ बात भी करना पड़े, बिल्कुल सही सर,
ऐसा ज्यादा नहीं आना पड़े। हाँ, जो बाहर से आके रुकते हैं वो 5 दिन सुबह शाम कराते हैं, वो 5 दिन में सही हो जाते हैं। दूर दूर के पेशेंट आते, समय ने देखा कोई देवास से आ रहा है, कोई आंटी जी थी तो बहुत दूर गांव से, मैंने बोला यार कल्पना से, कुवैत से, नेपाल से, इराक से, ईरान से, साउथ अफ्रीका से और इंडिया से। कोई महेश्वरी आंटी जी आए तो बोले मैं तो दुबई जा रही हूँ 13 तारीख को, दूर दूर से लोग आते हैं। सही बात है, खैर अच्छे होके जा रहे हैं लोग, अच्छे हमें तो इसका सेटिस्फेक्शन। अरे नहीं नहीं सर, मतलब कह रहा हूँ काफी दुआएं मिलेगी सर, आपको मिल ही रही है और मिलेगी, इन्हीं के लिए काम, इन्हीं के लिए। सही बात है सर, हम पैसे के लिए नहीं काम कर रहे हैं, हम दुआओं के लिए काम कर रहे हैं, बस इसी स्माइल के लिए कि अपने लोगों की क्या सेवा। रीजनेबल रेट में इतनी अच्छा मतलब इलाज है, बहुत रीजनेबल है, बॉटम मतलब यूं समझ लीजिए कि हम लागत मूल्य पे काम कर रहे हैं, बहुत रीजनेबल। हमारा जो एक्सपेंस आ रहा है हम उसी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक्सपेंसिव मशीन्स के कभी तो सब कुछ मेंटेन करके चलना है, तो मेंटेनेंस बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, ऐसा है क्योंकि जरा जरा सा छोटा छोटा पार्ट बहुत महंगा आता है, आते हैं, केबल ही बहुत महंगी आती है, बहुत केबल, केबल खराब हो जाए तो 1-1.5 लाख महंगा है इनका, तो वो हमें सारा मेंटेनेंस करके चलना है। बहुत रीजनेबल रेट है सर, बहुत बढ़िया और इतना फास्टेस्ट, मतलब आप सही बात, ऐसा है। खैर चलिए, आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत बहुत धन्यवाद, महाकाल आपको स्वस्थ रखे, खुश रखे। पुणे तो सैटिस्फाई सर, बहुत अच्छा, आपको जीवन भर नहीं भूलूंगा सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, थैंक यू, ठीक सर।